मुखोल आइए आइए हाँ भाई, क्यों है तू? किसके खिलाफ लिखाने आया FIR? मैं लड़का हूँ। अबे तो मैंने कौन सा कहा ये कि तू छोरी से लड़की हो रहा है? नाम बोल। वही तो कह रहा हूँ, मैं लड़का हूँ। अबे नाम पूछ रही हूँ मैं, जेंडर कतई ना पूछ रही। नहीं जो जेंडर बताया ना, तो अलेक्जेंडर बना के यूनान भेज दूंगी मैं। यस मैडम, मेरा नाम लड़का है, लड़का श्रीवास्तव स्टाइल में। ना जब पैदा हुआ था तो पेरेंट्स को कुछ कंफ्यूजन हो गया था मतलब क्लियर ना हो रहा था मामला कि भैया दुनिया को जो है कंफर्म करने के लिए उन्होंने लड़का रख दिया था नाम लड़का श्रीवास्तव हुआ है। जाओ खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम किसके खिलाफ FIR लिखवाने आए हो? अब मामा मामी के खिलाफ। क्यों भाई, क्या कर दिया तेरे मामा मामी ने? अरे अपने मामा मामी के खिलाफ नहीं, उस लड़की के मामा मामी के खिलाफ जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। वो लड़की भी मुझसे प्यार करती है स्टाइल में। उनके मामा मामी है ना, वो हमारी शादी नहीं होने दे रहे हैं, इनकार कर रहे हैं स्टाइल में। नहीं। अगर तुम दोनों करते हो एक दूसरे से प्यार तो क्यों कर रहे हैं वो लोग शादी से इनकार? ओके बाय। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या नहीं है मेरे पास। अरे बाका हैंडसम हूँ, घबरू नौजवान हूँ स्टाइल में। अरे सिपरी मोहल्ला के पीछे जो फाइसर होटल है, हाँ वो मेरे डैडी का नहीं है, लेकिन उसके बाजू में जो साइकिल की दुकान है वो मेरे डैडी की है। अरे अपने वो दाल मंडी जो बाजार है उसमें जो सबसे बड़ा शोरूम है वो मेरे डैडी का नहीं है। हाँ हाँ नहीं है, लेकिन उसके सामने जो श्रीवास्तव कचौड़ी भंडार है वो मेरे डैडी का है स्टाइल में। कौन हो रहे हैं वो मामा मामी? भैया जो छोरा छोरी प्रेम भी कर रहे हैं और छोरे का बिजनेस भी, और भैया छोरा कतई हैंडसम गबरू एकदम टॉम क्रूज एकदम फैशनिस्टा हो रहा है, रैंप पे चले तो बल्कि जो है सब लोग घायल हो जाए ऐसा हो रहा माल। न ऐसे छोरे को हाथ से जाने दे रहे हैं, है ना? बोलवा मामा मामी ने जी। अरे मैडम कैसे हो जाने दे शादी आटा गूंद के? अरे हम सगे मामा हैं, कोई सौतेले फूफा थोड़ी है बर्तन धो के, क्यों कलावती? ठीक कह रहे हैं सत्तू जी, गर्दन मटका के। ओ सत्तू खुल के बोल ले, वरना जो है पानी और शक्कर में घोल के सत्तू की तरह से पी जाऊंगी मैं। ओ जो कुछ भी कहना है ना, जरा खुल के फटाफट हमारी मैडम से कह दो, वरना एक बार हमारी मैडम का दिमाग सटिया गया ना, मेरा मतलब है कि एक बार हमारी मैडम का दिमाग गरम हो गया ना, तो वो एक नंबर की जुल्मी जलेबी, मेरा मतलब है अत्याचार का अचार, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, तुम बोलो यार। हाँ बताते बताते हैं मैडम, बात दरअसल ये है कि हमारी स्वर्गवासी बहन सुनीता की बेटी यानी कि हमारी भांजी कुमारी संध्या एक शापित लड़की है। शापित मतलब? मतलब ये भैया कि हमारे इनके खानदान पे श्राप लगा हुआ है गर्दन मटका के। दरअसल हुआ क्या कि हमारी संध्या के पिताजी के यानी कि हमारी बहन के पतिदेव सुंदर, जो कि देखने में बिल्कुल कुरूप थे, एक बार उन्होंने एक धोबन को छेड़ दिया जिससे उसकी शादी टूट गई बर्तन धोके, और उस धोबन ने तालाब में डूब के अपनी जान दे दी कपड़े धोके, और जान देने से पहले उसने हमारे सुंदर जीजा जी को ये श्राप दिया कि उनकी बेटी की कभी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों कलावती?
हाँ सत्तू जी ठीक कह रहे हैं आप गर्दन मटका के। मैडम जो भी लड़का हमारी संध्या से शादी या सगाई करने की रस्म की कसम भी खाएगा ना, तब भी वो धोबन की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी गर्दन मटका के। ऐसा है मामा मामी, यो जो फालतू का अंधविश्वास फैला रहे हो ना दोनों, यो कतई ना चलेगा। अरे शरीफ छोरा है यो लड़का श्रीवास्तव, इससे कराओ अपनी मांझी की शादी। अरे मैडम कैसे करवा दे शादी, सगे मामा है कोई सौतेले फूफा थोड़ी खाना बना के। अरे आज तक जितने भी लड़के संध्या से शादी करने आए हैं वो पिट पिटा के ही लौटे हैं। किसने पीट दिया उन्हें? भैया उसी धोबन की आत्मा ने, और किसने। अब पिछले महीने की बात ले लो, अरे सुल्तानपुर से अपना गुड्डू आया था संध्या को शादी के लिए देखने के लिए, तो हुआ क्या कुली के अंदर धोबन की आत्मा आ गई। हाँ फिर उस कुली ने अपने गुड्डू को इतना ठोका इतना पीटा कि सामने के दांत टूट गए उसके। आए, 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 आए। अपना बोरिया बिस्तरा उठा के उधर बेचारा वापस लौट गया। हाँ अब आप ही बताइए कैसे हम इसे बलि का बकरा बना दें। अरे श्रीवास्तव साहब हमारे दोस्त हैं गाड़ी साफ करके, आखिर हम भी चाहते हैं कि हमारी बिटिया की शादी हो जाए, सगे मामा को सौतेले फूफा थोड़े ही है। सही है चलो निकलो, काम होगा तो बुलवाएंगे। अच्छा एक मिनट, यो कौन है छोरा जोन है ब्राह्मण की शकल का? ये लो मिलवाना ही भूल गई बातों बातों में। मैडम ये बासमंडी चौराहे कानपुर वाले वो हमारे भैया है ना टीपी त्रिपाठी, उनका बड़ा बेटा है पुन्नू, हमारा भतीजा। नमस्ते कर रहे हैं? नमस्ते जी। चलो भाई ठीक है निकलो। अच्छा आ रही। लेकिन मैडम मेरी मोहब्बत का क्या होगा स्टाइल में? अबे ऐसा है ज्यादा टेंशन ना ले, यहाँ बैठे हैं अभी हम जिंदा, तू वैसा कर जैसा हम कह रहे हैं। बाल को प्लानिंग यो है कि वो जो छोरी है ना संध्या, जो अकॉर्डिंग टू मी श्रापित ना है, उसे श्रापित साबित करेंगे। मैडम ये क्या बात कह रही हैं आप स्टाइल में? मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे, जो मम्मी जी कह रही हैं वो कर। हाँ तो भाई जहां तक यो केस मैं समझ पा रही हूँ, अगर तो यो वैसा ही है जैसा हमारी समझ में आ रहा है, तो भैया छोरी को जो है पहले तो श्रापित प्रूफ करो, और उसके लिए एक छोरा चाहिए जो छोरी से शादी करने को रेडी हो। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मैडम, छोरा भी मिल गया और आइडिया भी। निकालिए सर 1000 रुपए निकालिए। किस खुशी में सर? शादी की खुशी में सर। किसकी शादी? अरे सर आपकी शादी सर। सर यहाँ पर मैं आपकी शादी के रिश्ते की बात करने तो आया हूँ। सच? वेरी गुड गुलगुले, वेरी गुड। ये लो 1000 रुपए, आखिर तुमने चंद्रमुखी जी को मनवा लिया गुलगुले, वेरी गुड। अरे सर उन्होंने ही तो मुझे यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा कि जाके सर से जरा शादी के रिश्ते की बात करो। मंजूर है मुझे पता है हु इज ही, ये कौन है? अरे सर ये वो लड़का है जिसे लड़की की शादी होनी है। तो मैं कौन हूँ? सर आप वो लड़के हैं जिसे लड़की की शादी होनी है। अबे कितनी लड़कियां हैं, कितनों की शादियां करवा रहा है? सर लड़की सिर्फ एक है सर। सर सबसे पहले आपकी उससे सगाई होगी, फिर आपकी उससे शादी होगी, सर उसके बाद वो लड़की आपको तलाक दे देगी, और फिर वो लड़की इस लड़के से शादी कर लेगी, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना सर। देखिए सर आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको जरा मैटर क्लियरली बताता हूं। बात यह है कि बस सर एक बार आपकी शादी उस लड़की से हो जाए, फिर ये शापित वाला कलंक उसके ऊपर से उतर जाएगा और चारों प्रेमी मिल जाएंगे। चार? अरे सर दो तो ये लोग सर, और बाकी दो आप और मैडम। अरे सर आप इतना बड़ा काम करेंगे तो मैडम आपसे कितनी इंप्रेस होगी, कितना खुश होंगी वो। हाँ तो भाई व्यक्तिगण
भैया ऐसा है, अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारी जो यो भांजी हो रही है यो सार्पित है, और इसी जो है श्राप के चलते है, तुम जो है इसकी शादी किसी से ना करा रहे हो और इससे श्रीवास्तव से भी ना होने दे रहे हो, है ना। तो भाई इसका इलाज हमने ढूंढ निकाला है, हमारे सर जी हैं पुलिस में है, और भैया पुलिस इज पब्लिक सर्वेंट, इसलिए सर जी ने इनसे शादी करने को हाँ बोल दिया है और उन्होंने जिम्मेवारी ले ली है कि भैया वो निपट लेंगे भूत ऊत से। ओके, तो भैया आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व और आपको हैप्पी मैरिड लाइफ। सर जी आइए। मीट ददूला। सर जी दिस इज द गर्ल फॉर मैरिज, आप करेंगे ना इससे शादी? हाँ हाँ क्यों नहीं। दरअसल क्या है, मैं अंधविश्वासों पर यकीन नहीं रखता। अब देख लो बेटा गाजर काट के, भाई हम तो यही कहेंगे कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे उस धोबन की आत्मा से। क्यों कलावती? हाँ सत्तू जी, बेटा ये जानते हुए भी कि हमारी संध्या शापित है, तुम इससे शादी करके अपनी जिंदगी क्यों जोखिम में डाल रहे हो? गर्दन मटका के हूँ भैया। मामा मामी का बिहेवियर तो ऐसा दिखे मन्ने जैसे आप तो चाह ही ना रहे हो कि आपकी भांजी की शादी हो। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है जाला छुड़ा के। ओहो तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अरे भाई बजाओ बैंड बाजा, क्योंकि मान गए हैं दूल्हे राजा। हाँ जी पंडित जी, चलो शादी की रस्में शुरू करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण नमम, ओम केशवाय नमः। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। इस लड़की से जो भी शादी करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ये मैडम, ये क्या हो गया मैडम? मुझे पता नहीं ये अचानक क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई घुस गया है और मेरे हाथों सर पिट गए। अरे सर सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुआफी सर, मुआफी मुआफी सर मुआफी। अरे जो कुछ भी तूने अभी किया वो काफी नहीं है जो तू मुझसे माफी मांग रहा है। अरे वार में गई शादी, मुझे नहीं करनी ये शादी, ये लड़की शापित है। सॉरी संध्या डार्लिंग, मुझे भी यकीन हो गया कि तुम शापित हो। मैं भी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। अरे अरे एक मिनट, यो क्या बकवास चल रही है? अरे सर जी भी मना कर रहे हैं और लड़का श्रीवास्तव तू भी जो है भग रहा है। अरे एक मिनट, कोई तो कर लो छोरी से शादी ना भैया, इस मंडप से ऐसी कमारी उड़ जाएगी। हो गोपी तू कर ले शादी चल। मम्मी जी मेरी तो एक बीबी दो पड़ोस में ऑलरेडी है जी। अबे बुढ़ाऊ, अरे गुलगुले चल तू कर ले बेटा। मैडम माय वाइफ विल किल मी। अरे यार ऐसे कैसे एक छोरी जो है कमारी उड़ जाएगी मंडप से? अरे कोई पंडित जी आप। अबे कोई तो बोली इंटर करो। अरे मैं करूंगी कन्यादान इस छोरी का, कोई तो शादी कर लो यार। मैं करूंगा इससे शादी फड़फड़ा के। देखा आखिरी वक्त में अपना पुन्नु ही काम आया गर्दन मटका के। हाँ हाँ तो भैया आओ भैया, चलो चलो जल्दी आ जा। अबे ओ पंडित, अरे उठाओ इसे यार। चलो 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 सर, प्लीज आ जा, हटिए सर, आ जा आ जा, चलो चलो बिना इसके। क्या सर प्लीज, व्हाट इज दिस सर? इसको भी मारो। हाँ भैया चलो भाई शुरू करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण नमम, ओम केशवाय नमः। रुक जाओ, जो इस लड़की से शादी करेगा
मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैडम, क्या किया? मेरे पुत्र को गोली मार दी, क्यों? क्यों? ए आंटी, अरे मैंने घुसना करा है। अबे यार, यो निमट गया। मैंने घुसना करा भाई, मन ने ऐसा लगा जैसे कि मारे अंदर जो है ना कोई लेडीज की आत्मा आत्मा आ गई। मन ने दिखे आंटी, आप सही कह रही थी, यो छोरी घनी श्रापित है, इसकी ना होगी शादी। कोई शापित वापित नहीं है गर्दन पटका के। अरे ऐसा कैसा नहीं है, आप ही ने तो कही थी। ये सब बातें हम नहीं फैलाई है इसके बारे में गर्दन पटका के। अरे कलावती, ये क्या पकी जा रही हो धनिया काट के? अरे ओ मामा, अब तो कह दिया जो कहना था कलावती ने। ईब जरा खुल के बोल ले, वरना तैने खोल दूंगी मैं इस मंडप में। मैडम, अब जब हमारे पत्ते खुल ही गए हैं पानी भर के, तो सुनिए, हमारी संध्या बिटिया जो है कोई शापित वापित नहीं है। इसके मम्मी पापा यानी कि हमारी दीदी और जीजा जी एक एक्सीडेंट में मारे गए, और वो पीछे छोड़ गए इसे और करोड़ों की जायदाद जो इसकी शादी के बाद इसके पति की हो जाती, और हम लोग हाथ मलते रह जाते पर्दे धोके। इसीलिए हमने यह अफवाह फैलाई कि ये लड़की शापित है, ताकि इसकी शादी ना हो सके, और अंत में जब ये ओवर एज हो जाए और कोई इसे शादी ना करे, तब हमारा पुन्नू जो है इससे शादी कर ले और ये सारी जायदाद वापस हमारे ही पास रह जाए। लेकिन मेरा पुन्नू। अरे कुछ ना हुआ है पुन्नू को, गोली मारी है बेहोशी की, असली गोली ना मारी है। आधे घंटे में होश आएगा साले को। मामा मामी, तुम पर तो जो है ना मन ने पहले ही शक था, इसलिए हमने वो सब ड्रामा करा, आत्मा आत्मा आने का, अटैक करने का, और इस ड्रामे में सर जी ने हमारा साथ दिया है, और लड़का श्रीवास्तव ने भी। और अब यहाँ इसी मंडप में होगी लड़का श्रीवास्तव और संध्या की शादी, और तुसी लोग जाओगे सरकारी हवालात में। लेके ना सालों ने। आओ संध्या, हम मैडम से आशीर्वाद ले ले स्टाइल में। चंद्रमुखी जी। अरे सर, आई एम गिविंग आशीर्वाद सर। लीव देम चंद्रमुखी जी, आज तो आपने कर दिया भाई कमाल, इसीलिए मैं कहता हूँ आप भी ढूंढ लीजिए अपने लिए कोई लड़का। बेमिसाल कैसी रही? बेमिसाल। या सर जी, चंद्रमुखी बने जिसकी दुल्हन किसी माँ ने पैदा ना किया वो लाल।